गुड इवनिंग स्टूडेंट, आ जाओ जल्दी से सभी। आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हो कि शाम 7 बजे से आप देखते हो क्लास 7 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो साथियों, एक्सरसाइज आपका चल रहा था 5.1, जिसमें 3 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे 4th क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से देखो, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। क्या कहता है? जो कहता है वो आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी इक्वल हाफ ए बी। देखो, ये है बच्चा लोग एक्सरसाइज आपका 5.1 क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ। तो देखो, हम इसको इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। हमने इसे बना लिया। कह रहा है कि ए और बी के बीच में एक बिंदु है सी, हमने कर लिया। सिद्ध करने को कह रहा कि ए सी जो है बच्चा लोग वो क्या है, हाफ ए बी के बराबर है। और यहाँ एक कंडीशन दिया है ये कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। मतलब कि ए सी यहाँ से यहाँ जो है ये बी सी के बराबर है, यानी इनका कहने का मतलब ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, तो चलो देखो, सिंपल सी बात है, हम इसी से चलते हैं। हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर हमें ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी, तो यहाँ आप लिखो ए बी इक्वल, आप जानते हो ए सी धन ये बी सी होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना भैया। अगर हमें पूरा निकालना है, पूरा ना, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ के भी तो निकाल सकते ना। इसको ऐसे समझ लो, जैसे अगर मान लो ये पूरी दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर है, कितना है, 4 है, और ये मान लो कि खुदा ना खास्ता ये दोनों अलग अलग पार्ट में है, ये 2 है और ये भी क्या है, 2 है ना, मतलब पूरा टोटल 4 है, तो ये आधा 2 होगा, आधा 2 होगा ना। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, चाहे तो ए बी का मान, यानी पूरा का 4 रख दें इधर और इसका 2 रख दें, तब भी तो बराबर होगा ना, होगा ना, कर सकते हैं ना। तो ये इस तरह से हो गया। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, 4 2, इसको आपको नहीं लिखना है। हाँ, अब देखो क्या होगा आगे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो इसको, क्या है इसका पूरा कहानी। अब यहाँ पे चूंकि दिया है ए सी इक्वल बी सी दिया है, यानी ए सी की जगह पर आप बी सी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, और भी कुछ लिख सकते हो क्या, ए सी की जगह पर बी सी। तो चलो कर लेते हैं। देखो, ए बी इक्वल ए सी की जगह पर हम क्या लिख लें, बी सी। देखो, इसमें जो सिद्ध करना है थोड़ा सा अलग है क्या यार, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सी इक्वल हाफ ए बी, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, चलो लिखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम बी सी की जगह पर ए सी लिख सकते हैं। तो हमारा ये तो ए सी पहले था, वैसे हो गया, इस बी सी की जगह पर हम ए सी लिख देंगे। तो आप समझ गए अब कि ये ए बी इक्वल हो जाएगा 2AC, इतना तो आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो बच्चा लोग, आप जानते हो यहाँ ए बी बराबर 2 इधर आएगा, तो भाग में हो जाएगा बराबर ए सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये आपका उत्तर आ गया। लेकिन आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, ये तो 1/2 है ही नहीं, तो है इसमें 1/2, इसे आप ऐसे लिख सकते हो ए सी इक्वल 1/2 इंटू ए बी, ये लिख सकते हो। चाहे बीच में गुणा का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर इसका गुणा करोगे तो फिर वैसे हो जाएगा, ए बी 2 हो जाएगा, लेकिन हमें सिद्ध इस रूप में करना था, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ लिख दो इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो था 4 वाला हो गया। अगला देखो, देखो अगला सवाल कह रहा है कि प्रश्न 4 में, यानी कि जो अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि मिडल पॉइंट है। वो बात आपने समझ लिया था, बिल्कुल है, मध्य बिंदु है। आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, मतलब एक से अधिक मध्य बिंदु नहीं होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ है उसमें कहें कि इसका मध्य बिंदु बताओ बीचों बीच कहाँ होगा, तो एक ही जगह होगा, एक से अधिक तो नहीं होगा। लेकिन इनको सिद्ध करके दिखाओ। तो सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, देखो, जैसे अगर मान लो कि किसी को सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि वो चोर है, मतलब वो चोर है, तो क्या करोगे आप, उसका प्रूफ उसे पकड़ोगे चोरी करते समय, तभी तो आप सिद्ध कर पाओगे चोर है ना। या फिर किसी को सिद्ध करना है कोई ईमानदार है, तो क्या करोगे आप, उसे उल्टा मानोगे कि वो चोर है। हाँ, उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें चोर के लक्षण ढूंढोगे, बुराइयाँ ढूंढोगे, अगर उस तरह से मिलते हैं तो मतलब चोर है, नहीं तो ईमानदार है। तो वैसे ये कह रहा है कि इसके एक ही मध्य बिंदु है, हम मानते हैं कि चलो इसके एक से अधिक मध्य बिंदु है, हम इसको परखते हैं। तो हमने मान लिया कि माना इसका, आप लिख लो, माना डी इसका एक दूसरा मध्य बिंदु है, ठीक है, इसे आप लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, लेट
D इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB, ओके। तो अगर हम इसका एक मध्य बिंदु D मान लें तो क्या हो जाएगा, अब बताओ। हम C को अनदेखा कर दे रहे हैं, C मान लो है ही नहीं, तो क्या होगा, AB बराबर क्या होगा बच्चा लोग, आप जानते हो, AB बराबर आपका ये हो जाएगा, लेकिन हमें AB निकालना भी है, AD, एक मिनट रुके रहो, A और D, AD बराबर क्या होगा, हाफ AB होगा, बोलो होगा कि नहीं। अब आप कहोगे ये कैसे होगा, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये अभी आपने समीकरण जो चौथा सवाल था उसमें क्या सिद्ध किया था, AC इक्वल 1/2 AB, बोलो सिद्ध किया था कि नहीं, अभी सिद्ध किया था ना, सिद्ध किया था ना, जब आपने इसको D को नहीं माना था, C को माना था, तो आपने सिद्ध किया था AC बराबर 1/2 AB, सिद्ध किया था ना, हमने कौन सी बुराई किया, आपने C की जगह पे मध्य बिंदु D मान लिया, तो जब D मान लिया तो C की जगह पे D हो गया, ये इतना हो गया ना, इसको लिख लो फटाफट, ये समीकरण दो हो गया, क्या हो गया, ये समीकरण दो हो गया। अब समीकरण एक और दो से, आप देखो तो समीकरण एक और दो में बच्चा लोग इसका राइट साइड बराबर है, देखो इधर भी वही है, यहाँ भी वही है ना। तो अगर किसी के समीकरण के एक पक्ष बराबर है दूसरे समीकरण के, तो उसका दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखो जल्दी से, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से लिख दो जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल ए डी, मतलब ए सी जो है वो ए डी के इक्वल हो गया। अब क्या सिद्ध हो गया कि नहीं, हाँ अब देखो सिद्ध कैसे हो गया, कहने का ये मतलब है कि ये चाहता है कि जो ए सी है वो ए डी के बराबर है, मतलब ए सी वो ए डी के बराबर है, इसका कहने का ये मतलब है कि दोनों का जो मध्य बिंदु है वहीं पर जा रहा है वो, अगर ये अलग अलग आया होता तो सिद्ध हो जाता कि ये मध्य बिंदु है, लेकिन जो ए सी है, ए सी उसी के बराबर ए डी है, ए डी का कोई अलग से मान नहीं आ रहा है, देखो हो गया बराबर ना, यानी अगर AC हम बोल रहे हैं बच्चा लोग ये 5 सेंटीमीटर था, तो AD बोल रहा है कि हम भी 5 ही सेंटीमीटर रहेंगे, उससे कम नहीं होंगे, तो अगर AC 5 था तो AD 5 कैसे होगा, सोचो, हो सकता है क्या, नहीं होगा ना भाई, अगर यहाँ तक 5 है तो यहीं तक 5 कैसे होगा, ज़्यादा होगा ना वो, यानी ये एक्सपेंड करना चाहता है, समझ गए ना। अब नीचे लिख लो, इससे सिद्ध होता है कि AC और AD एक ही जगह है, और किसी भी मतलब संख्या रेखा का, या फिर ऐसे कह लो किसी भी रेखाखंड का एक से अधिक मध्य बिंदु नहीं हो सकता है, ठीक है, इसे जल्दी से लिख लो, फटाफट लिखते चलो, और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना नहीं भूलना, जिससे कि आप पढ़ सको। अगर आप चाहते हैं बड़ी बड़ी क्लास देखना, जैसे आपको 10 मिनट 15 मिनट की क्लासें मिलती हैं, आप चाहते हैं कि हमें 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना है, तो बच्चा लोग आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्रीमियम क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, और आपको जल्दी से जल्दी पूरा कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें ऐसे ही पढ़ना है, तो आप YouTube पे ऐसे देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस हर दिन आओ लाइव और देखते रहो। एक बड़ी बात मैंने आपको बताया था कि 28 अगस्त से कक्षा 9 की जो मैथमेटिक्स है PVR स्टडी चैनल नंबर 3 पर सुबह 7 बजे शुरू हो रही ना, तो सुबह 7 बजे आप लोग देखना, ठीक है, उठ जाना सो के, सुबह 7 बजे सबसे ऊपर स्क्रीन पे देखो तो रेड कलर में लिखा है PVR स्टडी 3.0 क्लास 9 and 10th। अगर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें भी ऐसा ही मिल जाएगा ब्लू कलर का, आप उस पर टच करके सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर इंडी स्क्रीन पे देखो अभी आपको लोगो दिख रहा होगा दो ना, तो उस पर आप दूसरे वाले चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, फटाफट गो टू चैनल जाओ और सब्सक्राइब करो। जय हिंद।